एक और जहां दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया को डराने लगा है, वहीं साउथ अफ्रीका से भारत लौटे दो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया है। देश में संभावित तीसरी लहर के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया खौफजदा है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि 1 से 26 नवंबर तक साउथ अफ्रीका से 94 लोग बेंगलुरु आए, जबकि पिछले 25 दिनों में 10 हाई रिस्क देशों से 584 लोग कर्नाटक आए हैं। इनमें से 2 यात्री को कोरोना संक्रमित पाया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए संक्रमितों के सैंपलों को जीनोम सिक्वेंसिंग भेजा गया और अफ्रीका से लौटे दोनों यात्री को आइसोलेट कर दिया गया। राहत की बात यह है कि दोनों ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है।